हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनजे मोटिव्स पर। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का टाइम टेबल शिक्षा विभाग के द्वारा निकाल दिया गया है, जारी कर दिया गया है। राजस्थान बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का आयोजन, जो कि आपको पता ही होगा, 2 सितंबर से 13 सितंबर 2020 तक होना है फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 2 सितंबर से 11 सितंबर 2021 तक होना है। राजस्थान बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्ज़ाम टाइम टेबल भी आ चुका है। दोनों परीक्षाओं में लगभग 46,000 कितने 46,000 स्टूडेंट बैठने वाले हैं, जिनमें 130 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है। आप बीएसटीसी के ऑफिशियल साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको जैसा कि पता ही होगा, कोरोना के कारण इस बार राजस्थान डीएलएड परीक्षा 2021 का आयोजन देरी से हो रहा है। तो फिलहाल राजस्थान डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। राजस्थान डीएलएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों की परीक्षाएं 2 सितंबर 2021 से ही शुरू होगी। इसमें राजस्थान डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षाएँ 13 सितंबर तक और राजस्थान डीएलएड सेकेंड ईयर की परीक्षाएँ 11 सितंबर तक होगी। डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, लगभग 1 सप्ताह पूर्व अधिकारी की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। ये पहले का है भले ही, लेकिन आपके काम की चीज़ है। अब आपके लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करना है। राजस्थान बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एडमिट कार्ड 2020-21 जारी हो चुके हैं, और जारी होने के बाद आप इन्हें डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अपना एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, क्या फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड है, लाइसेंस है, वोटर आईडी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। फ़ोटो युक्त होना चाहिए, एडमिट कार्ड के साथ ऐड करना है आपको। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को कोविड गाइडलाइन का पालना करनी है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। परीक्षा के समय सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को प्रथम दिन परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले और अन्य दिनों पर 15 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए समय समय पर आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिएगा। सेकेंड ईयर का परीक्षा कार्यक्रम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो 2 सितंबर से शुरू है। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स आपके 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, अर्थात सेकेंड शिफ्ट में होने वाले हैं, जो 2:30 से 5:30 तक 3 घंटे चलेंगे। बच्चे और सीखना जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2 सितंबर को है, और 3 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन शिक्षण। 4 को है आपके आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। 5 को है संडे है। 6 को आपका हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता है। 7 को आपके अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता है। 7 को आपके अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता है एग्ज़ाम, और 8 को आपके गणित शिक्षण है। वहीं 9 को आपके थर्ड लैंग्वेज का एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपके संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, कोई भी सब्जेक्ट हो, थर्ड लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपके 9 सितंबर को होना है आयोजित। और 10 सितंबर को आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी, जो कि आपके 2 ही घंटे की होगी, बाकी को 3 घंटे की टाइम में किया जाएगा, जबकि शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा को 2 घंटे में पूरा किया जाएगा। जबकि नेक्स्ट 11 तारीख को शनिवार को आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण या विज्ञान शिक्षण, जो भी आपका ऑफिशियल, जो भी आपका चॉइस सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम होगा। तो आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में होने वाले हैं। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला है, बाकी आपके 11 तारीख तक एग्ज़ाम हो चुके होंगे 11 सितंबर। डीएलएड फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, जिसमें फर्स्ट एग्ज़ाम 2 सितंबर को बच्चे और बचपन का होगा, 3 सितंबर को सेकंड एग्ज़ाम शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या को, 4 सितंबर को भारतीय समाज और शिक्षा का, 6 सितंबर को भाषा संज्ञान और समाज का, या भाषा संज्ञान और समाज का यहाँ 2 घंटे का ही होने वाला है, बाकी सभी एग्ज़ाम 3 घंटे के हैं। तो 7 सितंबर को नेक्स्ट हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, 8 सितंबर को अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, 9 सितंबर को आपके गणित शिक्षण, 9 सितंबर को आपके गणित शिक्षण है, 10 सितंबर को पर्यावरण अध्ययन है 8वां पेपर, 11 सितंबर को आपके 9वां पेपर कला शिक्षा का होगा, 9वां पेपर कला शिक्षा का होगा 8वां पेपर, 9वां पेपर आपके, 10वां पेपर आपके
सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का होगा, जो कि 13 तारीख को होगा, 12 तारीख को इधर संडे है। आपके दो एग्ज़ाम ICT और कला शिक्षा, ये भी होंगे। कला शिक्षा तो आपके हो जाएगा 30 नंबर का, ICT होगा 20 नंबर का, और भाषा संज्ञान और समाज ये भी आपके 35 नंबर का होगा। तो इसमें कुछ गाइडलाइन दिए गए कोविड के तहत। समस्त संस्था प्रधान न्यायिक वाले पद न्याय परीक्षार्थियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20/8/2021 तक संबंधित डाइट प्राचार्य को देवे। हम डाइट प्राचार्य जिले के समस्त निजी सरकारी DLED शिक्षण संस्थाओं को सूचित करें। प्रथम वर्ष के विषय भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में कला शिक्षण तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के प्रश्न पत्र 2 घंटे का ही होगा। आपके 3 प्रश्न पत्र 2-2 घंटे के ही होने वाले हैं। परीक्षा प्रतिदिन प्रथम पारी में ही होगी, सेकंड ईयर वालों की सेकंड पारी में होगी, फर्स्ट ईयर वालों की फर्स्ट पारी में होगी। परीक्षार्थी परीक्षा के प्रथम दिन परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पूर्व एवं शेष परीक्षा दिवसों पर 15 मिनट पहले पहुँचे प्रवेश दिया जाएगा। DLED पर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल 2021 का आयोजन दिनांक 28/9/2021 मतलब 28 सितंबर 2021 को प्रैक्टिकल का आयोजन होना तय हुआ है दोस्तों। 28/9/2021 को प्रैक्टिकल का आयोजन शुरू होने वाला है और 6 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के तहत होगा। तो आपको अगर मेरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी पाते रहने के लिए। थैंक्स फॉर